सम्मानित शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आज के इस कालखंड में मैं पुनः प्रतिभा पर्व की गतिविधियों पर चर्चा करूंगा। आज के इस कालखंड में मैं प्रतिभा पर्व की तृतीय दिवस की जो गतिविधियां आयोजित होने वाली हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, मैंने तृतीय दिवस आयोजित होने वाली गतिविधियों के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी जो है इस व्हाइट बोर्ड में लिख के रखी है, और यहीं से मैं उन गतिविधियों के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने जो भी गतिविधियां यहाँ पर लिखी हैं, हमको जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन दिशा निर्देशों से मैंने यहाँ लिखी हैं। पुनः मैं उन दिशा निर्देशों को आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये प्रतिभा पर्व के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2019-20, ठीक है। इसमें जो भी जानकारी अंदर दी गई है ना, तो तृतीय दिवस में जो भी गतिविधियां आयोजित होना है उसके संदर्भ में मैंने यहाँ से भी ली है। साथ ही एक आदेश ये हमारे पास में, और इस आदेश में जो भी जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं, उनसे जो तृतीय दिवस की गतिविधियां हैं उनको मैंने यहाँ अंकित किया है। तो साथियों, हम क्रमशः बात करते हैं तृतीय दिवस की गतिविधियों पर। सबसे पहले बिंदु पर हम देखें तो पहला है बाल सभा। साथियों, हम प्रथम और द्वितीय दिवस बच्चों की प्रतिभा पर्व के अंतर्गत उनका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, और जो तृतीय दिवस है हम बच्चों की बाल सभा का आयोजन करेंगे। अब देखिए, बाल सभा को किस रूप में आयोजित करना है उसके बारे में यहाँ विस्तृत जानकारी मैंने लिखा है कि प्रतिभा पर्व के तृतीय दिवस बच्चों की बाल सभा का आयोजन किया जाएगा, अर्थात तीसरे दिन 12-13 दिसंबर को हमने बच्चों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को आयोजित किया, और जो 14 तारीख को हम बच्चों की बाल सभा को आयोजित करेंगे। और इस दिन जो आयोजित की जाने बाल सभा होगी उसको वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जैसा कि एक विद्यालय अपने विद्यालय में एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव मनाता है, उसी रूप में हमें इस बाल सभा को एक वार्षिक उत्सव या एनुअल फंक्शन के रूप में मनाना है, ठीक है। तो ये बात साथियों होगी क्लियर। आगे इसी संदर्भ बात करते हैं तो बाल सभा विगत वर्ष के अनुसार ही होगी। विगत वर्ष जिस प्रकार हमने बाल सभा का आयोजन किया था, उसी तरह से इस वर्ष भी बाल सभा का, अर्थात उस वार्षिक उत्सव का आयोजन होगा। बाल सभा में कहानी उत्सव की गतिविधियों को भी शामिल किया जाए। साथियों, निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि कहानी उत्सव की जो गतिविधियां है इस बाल सभा में उनका क्रियान्वयन होना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बाल सभा के संदर्भ में ही कि बाल सभा हेतु विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों का पूर्व अभ्यास एवं मार्गदर्शन शिक्षकों द्वारा कराया जाए। साथियों, बाल सभा के दिन, जिस दिन बाल सभा होगी अर्थात तृतीय दिवस को, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल गतिविधियां होना है तो बच्चों का जो पूर्व अभ्यास है शिक्षकों के द्वारा ही करा दिया जाएगा, और निश्चित तौर से हम शिक्षक साथियों ने इसकी तैयारी पहले ही कर ली होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो देखिए अगला बिंदु है बाल सभा के संदर्भ में कि प्रत्येक शाला को बाल सभा आयोजन हेतु ₹1,000 प्रति शाला, समग्र शिक्षा अभियान में बाल सभा हेतु स्वीकृत बजट के अनुसार उसके मान से जारी होगी, जो कि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जारी की जाएगी। साथियों, तृतीय दिवस प्रतिभा पर्व के तृतीय दिवस जो हम बाल सभा का आयोजन करेंगे और जो भी उसमें सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां आयोजित होगी, तो बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए हम जो पुरस्कार के लिए कहे या बच्चों के प्रमाण पत्र संबंधित व्यवस्था के लिए किए कहे, तो इसके लिए हमको 1,000 की जो राशि है वो समग्र शिक्षा अभियान में बाल सभा के लिए स्वीकृत बजट के अनुसार हमको जारी होगी, और ये राशि जो है विद्यालय की जो प्रबंध समिति के खाते में ही आएगी। तो हमको इस 1,000 रुपये का खर्च करना है, व्यय करना है, और इसमें बच्चों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियां हैं, कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें या विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम की बात करें उसके लिए पुरस्कार, साथ ही बच्चों के प्रमाण पत्रों की जो व्यवस्था है इसी राशि से की जाएगी। साथियों, निश्चित तौर से हम लोग विगत वर्ष भी बच्चों के लिए बाल सभा के दिन जो खेल गतिविधियां हुई थी या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे उसके लिए हमने बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किया था, उसी तरह हमको प्रमाण पत्र पुनः इस वर्ष भी बनवाना होगा, और हम बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु, बच्चों के प्रोत्साहन हेतु यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। साथियों, ये वाली बात होगी,
और बाल सभा के अंतर्गत ही अगली बात आती है कि यह राशि जो है उसी यह 1000 की राशि ये है सांस्कृतिक साहित्य एवं खेल गतिविधियों की व्यवस्थाओं यथा पुरस्कार वितरण प्रमाणपत्र व्यवस्थाओं पर भंडार क्रय नियमानुसार किया जाएगा। साथियों जैसा कि मैंने बताया कि इस 1000 की राशि से जो भी जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि सांस्कृतिक एवं जो साहित्यिक एवं जो खेल गतिविधियां होंगी उसमें जो व्यवस्था जैसे कि पुरस्कार वितरण है या प्रमाण पत्र का वितरण है इस संबंध में नियमानुसार ही खर्च होगी। तो साथियों ये बात होगी बाल सभा की अर्थात वार्षिक उत्सव की। इस सभा को हमें एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाना है, ठीक है, सेलिब्रेट करना है। अगले बिंदु पर चलते साथियों यहाँ पर तो दूसरा है कि जन प्रतिनिधियों एवं पालकों का आमंत्रण। साथियों इस संदर्भ में हमको दिशा निर्देश प्राप्त हैं, तो मैं यहाँ पर जानकारी पढ़ता हूँ। बच्चों की बाल सभा अर्थात वार्षिक उत्सव में जन प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। साथियों तृतीय दिवस अर्थात प्रतिभा पर्व के तीसरे दिन हम बच्चों की बाल सभा में पालकों की एवं जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे, ठीक है। निश्चित तौर से हम जब भी प्रतिभा पर्व होता है उसके तृतीय दिवस को हम पालकों को और जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं, उसी तरह से इस वर्ष भी हम जन प्रतिनिधियों को और बच्चों के माता पिता अर्थात उनके अभिभावकों को हम विद्यालय में आमंत्रित करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत देखिए कि अभिभावकों द्वारा बाल सभा की गतिविधियों का अवलोकन करने के साथ साथ कक्षा शिक्षक से बातचीत कर बच्चों के परीक्षा परिणाम साझा किए जाएंगे। साथियों जो अभिभावक हैं एवं जन प्रतिनिधि हैं वो बच्चों की बाल सभा में जो भी गतिविधियां होंगी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे या खेल गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों का जो अभिभावक एवं जनप्रतिनिधि है वो अवलोकन करेंगे, उनको देखेंगे और साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित भी करेंगे। इसके अलावा जो अभिभावक बंधु हैं जो माता पिता हैं वो कक्षा शिक्षक से चर्चा करेंगे और साथ ही उनके बच्चों के जो परीक्षा परिणाम है उनको उन पालकों से साझा किया जाएगा। उन पालकों को बताया जाएगा कि उनके बच्चों ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है। तो इस प्रकार हम बच्चों के परीक्षा परिणाम को पालकों से साझा करेंगे। आगे हम बात करते हैं उपस्थित अभिभावकों के समक्ष उनके बच्चों के सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही बच्चों की पोर्टफोलियो पालकों को दिखाई जाएगी। जो उपस्थित अभिभावक होंगे उनको उनके समक्ष हम उनके बच्चों के सकारात्मक पक्ष अर्थात बच्चों उनके बच्चों की उपलब्धियों को हम बताएंगे कि उनके बच्चों की खास उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। देखिए उसे प्रत्येक बच्चे में सकारात्मक पक्ष तो होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं, किंतु हम नकारात्मक को छोड़ करके हम बच्चों के सकारात्मक पक्ष को अर्थात बच्चों ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की है, उनके अंदर कौन कौन से अच्छे गुण हैं, उनसे संबंधित या उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी विशेषताएं हैं उनके बारे में उनके पालकों से उनके उनके माता पिता से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और साथ ही उन अभिभावकों को उन बच्चों की पोर्टफोलियो भी हम दिखाएंगे, पोर्टफोलियो बताएंगे क्योंकि पोर्टफोलियो में ऐसी सामग्री रखते हैं विद्यार्थी संबंधित जो कि बच्चे की प्रगति को बताते हैं कि बच्चे ने कौन कौन सी प्रोग्रेस की है, उसने कितनी उन्नति की है। तो बच्चों की पोर्टफोलियो भी हम उनके माता पिता अर्थात अभिभावकों को हम दिखाएंगे, ठीक है। तो साथियों ये बात हो गई तुम्हारे जन प्रतिनिधियों पालकों का आमंत्रण और साथ में यह साथियों की जो जन प्रतिनिधि हैं या अभिभावक हैं बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। साथियों साथ ही जो वे जो बच्चों ने उपलब्धियां प्राप्त किए हैं, ठीक है, या सांस्कृतिक कार्यक्रम की हम बात करें चाहे खेल प्रतियोगिताओं की हम बात करें तो यदि उसमें कोई उपलब्धियां प्राप्त की है या जो साल भर कक्षागत जो गतिविधियां उनमें अगर कोई उपलब्धि प्राप्त की है तो उन उपलब्धियों हेतु उन बच्चों का जनप्रतिनिधियों के द्वारा और अभिभावकों द्वारा मान सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ये बात भी विशेष तौर से इस बात पे इंगित की गई है। और अगले बिंदु पर हम चलते साथियों तो विशेष मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराना। साथियों प्रतिभा पर्व के तृतीय दिवस हम बच्चों को विशेष मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराएंगे। हमको इस संदर्भ में दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। साथियों उस बिंदु को हम पुनः देख लेते हैं। साथियों यह है दिशा निर्देश और इस दिशा निर्देश के प्रश्न क्रमांक 6 पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जानकारी दी गई। साथियों यहाँ पर हम देखेंगे
तो विशेष मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, प्रतिभा पर्व के तृतीय दिवस बाल सभा के दिन विशेष मध्याह्न भोजन प्रदाय करने हेतु गत वर्ष अनुसार सीईओ जिला पंचायत के आदेश से आदेश जारी कराया जाए, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। अर्थात इस दिवस हमें बच्चों के लिए विशेष मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करवाना है और विशेष मध्याह्न भोजन के अंतर्गत हमें ऐसे भोज्य पदार्थों की व्यवस्था करनी है जो बच्चे प्रतिदिवस नहीं करते हैं। तो इस तरह का भोज्य पदार्थ हो कि बच्चों को भोजन करने में आनंद आ जाए। साथियों, जिस तरह हमारे घर में कभी कोई मेहमान आता है तो हमारे घर में विशेष भोज बनता है, उसी तरह हमको मध्याह्न भोजन में भी इस दिन विशेष भोजन की व्यवस्था करानी है। ठीक है, ये बात हो गई साथियों। आगे हम बात करते हैं तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन। प्रतिभा पर्व के प्राप्तांकों के आधार पर अनुपातिक रूप से अर्धवार्षिक मूल्यांकन का प्रगति पत्रक तैयार करना। साथियों, अर्धवार्षिक मूल्यांकन की जब बात आती है तो देखिए, जो बच्चे हैं उन बच्चों का प्रतिभा पर्व संपन्न हुआ है तो प्रतिभा पर्व के अंकों के आधार पर हम तुलनात्मक रूप से बच्चों के जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है, उसका प्रगति पत्रक तैयार इस दिन करेंगे। अर्थात ये जो सारे काम है ये प्रगति पत्रक से संबंधित ये शिक्षक करेंगे। ठीक है, तो ये बात कहेंगे साथी। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदु पर मैं चर्चा और कर लेता हूं। साथियों, इस दिशा निर्देश में यहां पर हम देखेंगे समय विभाग चक्र दिया गया है। इस समय विभाग चक्र में यहां पर तृतीय दिवस के समय विभाग चक्र में दिया गया है यहां पर उसे, तो यहां पर जो समय है वो है प्रातः 10:30 से 5:30 तक की जो सारी गतिविधियां आयोजित होंगी। और इसमें साथियों ये है कि प्रतिभा पर्व के निर्धारित डाटा एंट्री प्रपत्र कक्षा 6 से 8 तक जन शिक्षक को सौंपना, ये जानकारी दी गई है। और साथ में ये केवल सैंपल शालाओं के लिए, जो शालाएं सैंपल रूप में चुनी गई हैं उनके लिए है कि कक्षा 8 हिंदी व गणित से भरी हुई रेस्पॉन्स शीट का एक लिफाफा व भरे हुए शालावार डाटा एंट्री प्रपत्र जन शिक्षक को सौंपना। तो ये गतिविधियां भी तृतीय दिवस में संपन्न होगी। अर्थात तीन गतिविधियां, पहली बात यह है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन अर्थात प्रतिभा पर्व के जो प्राप्तांक है उनको तुलनात्मक रूप से अर्धवार्षिक मूल्यांकन के रूप में प्रगति पत्रों को भरना और पालकों को दिखाना, साथ ही ये जो डाटा एंट्री प्रपत्र है उसे जन शिक्षक को सौंपना। तो ये तृतीय दिवस की कुछ गतिविधियां हैं। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने प्रतिभा पर्व के तृतीय दिवस आयोजित की जाने वाली जो गतिविधियां हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। साथियों, आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। अगले कालखंड में मैं किसी नई जानकारी नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।